गुड मॉर्निंग, उठ जाओ उठ जाओ, चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। एवरीवन वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और देखो रुको, आज थोड़ा जल्दी में हूँ तो ज्यादा जल्दी तो इनको इस लड़के को बोली वेट कर लो, लेकिन देखो नहाने के लिए खुद ही पहुंच गए। चलो नहलाती हूँ फटाफट। ये देखो रेडी हो गए भाई साहब। हेलो, चलिए जल्दी, स्कूल नहीं जाना है क्या? चलो जल्दी जल्दी चलो, लेट हो जाएगा, चलो जल्दी। हाय, गुड मॉर्निंग, हाय, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज आद्विक का फर्स्ट डे है स्कूल का। हाँ, प्ले स्कूल जा रहा है बेबी। हाँ, वन ऑफ द क्लास, यही है आद्विक को मैंने क्लास में छोड़ा है ना, तो सारे बच्चे रो रहे हैं, तो उसमें वो भी रोने लगा मुझे देख के। बुरा लगा था, लेकिन फिर भी मैं जस्ट नेक्स्ट वाले रूम में हूँ, थोड़ी देर में जाके देखूंगी, नहीं देखना है, लेकिन फिर भी आवाज मुझे आ रही है बच्चों की, कौन सा बच्चा रो रहा है पता नहीं। गुड बॉय, चलो चलो आ जाओ, चलो कुछ नहीं कर पा रहे, चलो 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 चलो, तुम भी चलो बच्चा, चलो 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 चलो। आद्विक नहीं, इधर नहीं, क्लास छोड़ के मस्ती कर रही है दूसरी क्लास में। बेटा अपने क्लास में चलो, गुड बॉय, ये चलो आद्विक, कम ऑन, स्लाइड करो बेटे, करो स्लाइड तो करो, उठाओ उठाओ उठाओ, गुड बॉय। करना चलो, कैसे करना है? बेबी का स्कूल कैसा था आज का? चल घर चल के बताएंगे, चलो। देखो लड़का आते ही थक गया बेचारा, इतना एकदम लाल लाल हो गई हूँ। तो स्कूल कैसा था वो मैं बाद में अपडेट देती हूँ, अभी तो एकदम थक गए हैं यार, एकदम चल के आना वहाँ से यहाँ तक। सो और ये देखो, कल रात को इसने तोड़ दिया वापस से मेरा चश्मा, तो अभी मैंने इसको सेट किया है, बाद में इसका अपडेट, इसका भी अपडेट देती हूँ, सब चीज़ का अपडेट देती हूँ, बट अभी घर पहुँच गया, बस ये अपडेट है। ये देखो बच्चा सो गया, तो आद्विक तो सो गया बेचारा, आज इतना खेला है ना, मतलब मैंने वो तो खेला ही है, सो थक गया बेचारा, ऊपर से हम चल के भी आए थे, सो अभी तो वो सो गया। अब मैं खाऊंगी लंच, फिर उसके बाद कपड़े भिंगो के गई थी, तो कपड़े धो लूँगी फटाफट, और रूम तो सेट कर दिया मैंने इसके सोते ही सेट कर दिया, कपड़े धुल के फिर उसका थोड़ा लेटूंगी, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। बॉब के कपड़े क्लीन हो गए, वो पानी टपक रहा है। सो बॉब के कपड़े तो मैंने धुल दिए, और स्पिन नहीं किया क्योंकि बहुत धूप था ना, तो वो सूख जाएगा कपड़े, और बाकी सारा काम कर लिया है, बर्तन क्लीन हो गया है, ऑलमोस्ट मैं करके गई थी, अभी जो खाई हूँ और ब्रेकफास्ट का जो बर्तन था वो अभी किया मैंने, और रूम तो क्लीन, सब कुछ करके गई थी मोस्टली। 3 बज रहा है बेचारा, मेरा बच्चा सुबह 7 बजे उठा, तो देखो कैसे थक के सोया है। दूध बॉयल हो गया, कपड़े धुल गए, सारा काम हो गया है, अब मैं लूंगी 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद आपसे होगी बातें, और आज का दिन कैसा गया वो भी बताती हूँ। रेस्ट तो हो गया, मतलब 10 मिनट का रेस्ट मांग किया मैंने, और मन तो कर रहा है थोड़ा देर सो जाऊँ, लेकिन अगर मेरे साथ प्रॉब्लम है थोड़ा सा भी दोपहर में सो लेती हूँ तो फिर मेरा रात और भी ख़राब हो जाता है, तो वो नहीं करूँगी। और मैं अभी देती हूँ आज का अपडेट, उसके पहले ये देखो, ये ना मैंने पिन डाल के रखा इसमें, कल रात को आद्विक ने चश्मा तोड़ दिया, तो अभी सुबह सुबह कहाँ बनाया, मतलब वही जो सेट करवाया था, तो ये डाला मैंने, बट इसको सही करना है ना, अदरवाइज ये लग सकता है, मैं तो देख के रहूँ लेकिन आद्विक को लगने के चांसेस हैं, सो वो सही करेंगे। एंड यस, जिसका सबसे ज़्यादा वेट हो रहा है कि आज का डे कैसा रहा, आद्विक का फर्स्ट डे, अभी तक वो सो रहा है, सो उसका फर्स्ट डे उसके लिए बहुत ही अच्छा गया, मतलब ही हैड लॉट्स ऑफ फन, मतलब मैं टच वुड, मैं क्या बोलूँ, टच वुड टच वुड टच वुड, आई एम ब्लेस्ड विद सच ए वंडरफुल चाइल्ड,
सबके बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट सब बच्चे रोए हैं, 90% बच्चे रो रहे थे। और मतलब इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा था ना, मुझे लगा कि कहीं ये भी, मैं जैसे ही बस उसको अंदर रूम में छोड़ के निकली तो वो आने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन फिर वो जैसे ही वो लेडी, वो टीचर और हेल्पर थी ना, उन्होंने ले लिया तो फिर वो अंदर चला गया। तो मैंने इसको पलट के तुरंत देखा नहीं कि अरे मेरा बच्चा, हालांकि मुझे लगा। तो मैं दूसरे जहाँ पे वेटिंग रूम था ना, मैं वहाँ जाके बैठी तो उसमें सब बच्चे रो रहे थे, तो मुझे लगा ना आद्विक भी रो रहा है। फिर मेरा मन कर रहा था जाके देखने का, बट मैं नहीं जा रही थी। फिर बाद में थोड़े आधे घंटे बाद में जाके देखिया, मैं दूर से ही देखने गई कि ताकि वो मुझे देख ना ले। देख रही हूँ तो भाई साहब खेल रहा है, वो मैम भी बोल रही है नहीं मैडम आपका बच्चा तो खेल रहा है, नहीं रो नहीं रहा है तो इट्स ओके चिल करो। सो मेरे को ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर बाद में ना एक टाइम ऐसा भी हुआ जब मैं क्लास में गई और मैं बोली भाई रो ले थोड़े, मेरे लिए भी रो ले भाई साहब, क्योंकि सभी बच्चे रो रहे अपने मम्मियों के लिए, तो तुम भी रो लो मेरे लिए। बट दैट वॉज अ गुड थिंग दैट 90% बच्चे रो रहे थे, लेकिन वो 10% बच्चे थे ना, कुछ बच्चे थे बहुत अच्छे थे, एज लाइक उनको मज़ा आ रहा था और वो उसी लोगों के साथ आद्विक खेल भी रहा था। दो ही डिंट हैड दैट मच इंटरेक्शन विद देम, बट इसको इतना मज़ा आया, स्लाइड किया उसने, और जैसे बच्चे लाइन लगा के स्लाइड में जाते हैं ना, एज लाइक पहले तुम्हारा टर्न, मेरा टर्न, फिर दूसरे का टर्न, तो वैसे वैसे उसने स्लाइड भी किया। आज तो वो कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि एक सिलेबस होगा, एक एक सब कुछ सिस्टमेटिक वे में होगा। बट मुझे टीचर ने भी बोला कि मैम ये एक हफ्ता तो ऐसे ही जाएगा, एज लाइक दे नॉट गोइंग टू बी एनी सिलेबस। मुझे एक एक और चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही थी, मैं बार बार मना कर रही थी उन लोगों को कि बहुत सारे बच्चे रो रहे थे ना, तो वो बार बार टीवी लगा दे रहे थे। तो मैंने जैसे कि आदमी का एकदम स्क्रीन टाइम ऑफ करके रखा हुआ है ना, तो मैं उनको बार बार टीचर्स को आके बोल रही थी कि प्लीज़ आप टीवी मत चलाओ। टीवी मैं ना ABCD चला रही थी, जिसकी वजह से आदमी कैसे फिर बैठ जा रहा था, फिर वो खेलना भूल जा रहा था, फिर वो देखने लग रहा था। तो वो मुझे नहीं चाहिए, अगर मुझे वही कराना है तो फिर मैं घर पर ही नहीं बैठा के कराऊँ। तो उन्होंने बोला नहीं मैम बच्चे, बाकी बच्चे रो रहे हैं ना, तो इसलिए हम लगा दे रहे टीवी। तो मैंने बोला बट ऐसे तो नहीं करना चाहिए कि अगर बच्चा रो रहा है तो फिर टीवी लगा के दे दो। Anyways, I gave them a feedback and then उसके बाद बहुत कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे, मतलब उनको मज़ा आ रहा था। तो आई गिवन दिस सजेशन ऑल्सो कि जो बच्चे खेल रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है तो उनको एक दूसरे रूम में डाल दो, वो एक टीचर हैंडल कर ले, बाकी जो बच्चे रो रहे हैं उनको हेल्पर हेल्प कर दें और बाकी टीचर लोग देख लें। सो दे सेड कि एटलीस्ट 1 week उनको सेटल डाउन होने में लग जाएगा एंड देन दे कैन हैव अ प्रोसेस कि कब क्या करना है, कब क्या करना है। एंड लंच टाइम में तो भाई साहब ने अपना टिफिन खोला ही नहीं, एज लाइक मिड मॉर्निंग स्नैक्स के समय मैं खाना तो खिला के, दूध और फ्रूट्स खिला के भेजी थी। मैंने पैनकेक बनाया था और ऑमलेट बना के दी थी, लेकिन दोनों ही नहीं खाया बच्चा, और बिस्किट्स भी दी थी मैं, वाटर बॉटल भी दिया था, वो कुछ भी नहीं खाया। और टीचर स्कूल में बिस्किट मिला आद्विक को, तो वो खा रहा था लड़का, और उसने बच्चों के साथ बैठ के टेबल चेयर पे खाया और फिर खेला इधर उधर, फिर उसके बाद झूला झूला, तो उसको तो मज़ा आ रहा था। और मैं लास्ट तक रुकी, आज तो मतलब मैम बोल भी रही थी कि तो एक हफ्ते तक तो जल्दी छुट्टी हो जाए करेगी, एज लाइक जिस पेरेंट्स को आके बच्चों को लेके जाना है, अगर बच्चा रो रहा है तो लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं है, एक हफ्ते में उनको सेटल डाउन लगेगा। बट मैंने बोला नहीं, मुझे एक शेड्यूल उसका है जो मैं उसको फॉलो करना है, अगर उसको 9 से 12 रखना है तो 9 से 12 ही रखो, सो दैट ही शुड नो कि 9 से 12 उसको रहना ही है। और एनीवेज 12 बजे के बाद भी ही वॉज नॉट रेडी टू कम, मतलब उसको, लेकिन बाय बाय बोल के आ गया, मतलब पता है कि कल फिर आएंगे, तो उसको तो मज़ा आया। इट जस्ट अभी उसको कुछ पढ़ाया नहीं गया या ऐसा कुछ पढ़ाने का कोई टेंशन नहीं था, बट एटलीस्ट मुझे था कि, और सबसे बड़ी बात यार, आद्विक इसका नाम है और वहां दो लड़कियां हैं जिनका नाम, दो बच्चियां हैं ना जिनका नाम आद्विका है तो मैंने बोला लो हो गया स्यापा, मतलब बच्चा कंफ्यूज होगा कि आद्विका कौन है, आद्विक कौन है, और वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे बुला रही है कि टीचर को बुलाएंगी, आद्विका को बुला रही हैं। सो दैट वॉज कोइंसिडेंट, बट लेट्स सी जब उनका ग्रुप बनेगा तो होपफुली वो अलग अलग रखे ताकि उनको पता चले कि बच्चे, क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं, क्योंकि काका ही फर्क है, आद्विक आद्विका और काका ही फर्क है, तो थोड़ा सा टेंशन है, बट लेट्स सी हो जाएगा। और बाकी कल देखते हैं कल कैसा जाता है। आज का दिन डिसेंट गया था, मेरे एक्सपेक्टेशंस को तो मैच नहीं किया, बट भाई साहब के लिए बहुत सही था क्योंकि उसके एज के बच्चे देखने को उसको मिले और सारे बच्चे रो रहे हैं, इसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है जो एक्चुअली होता है, क्योंकि लॉकडाउन वाला बच्चा है, उसको इतना बच्चे देखे ही नहीं है। और मुझे बस ये लग रहा था कि यार इतने सारे बच्चों को रोते हुए देख के ये भी ना रोने लगे,
पर ना ये बस चल रहा है बाहर में जाए दुनिया, मैं मस्त हूँ अपने में। तो लाइक दैट, और यही चीज मुझे चेंज करानी है। मुझे चाहिए कि एटलीस्ट उसको थोड़ा फर्क पड़े, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे वही चाहिए कि इसको फर्क पड़े, उसको पता चले कि फ्रेंड्स हैं, उनके साथ खेलना है, उनसे बात करनी है। सो फर्स्ट डे के हिसाब से तो ठीक था, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक दिन में ही सब कुछ हो जाए, बट ठीक है, हम उसे देखेंगे एक हफ्ता दो हफ्ता में, फिर उसके बाद धीरे धीरे ही बी यूज टू और बाकी बच्चे भी सेटल डाउन हो जाएंगे, तो फिर मजा आएगा होपफुली। सो ये था आज का डे वन प्ले स्कूल में आदवे का, और मैं उठाऊंगी उसको करीबन 4 बजे, 4-4:30 बजे उठाऊंगी, क्योंकि लंच नहीं खाया ना, सो गया बेचारा, इतना थक गया था कि आया थोड़ा पानी पिया, थोड़ा सा भी नहीं खाया, सो गया। तो लड़का उड़ गया है, खाना ही है किसको, पार्क जाना है, चलो पार्क चलते हैं। साइकिल चलोगे पैदल चलोगे? हाँ पैदल चलना है ना, घूम के आगे तुरंत चलो, अभी साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, वाह 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 वाह, आराम से चलना बेटे, वाह 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 वाह, गुंडे स्कूल में भी स्लाइड करना है, यहाँ पे भी स्लाइड करना है, हाँ बेटे हाँ करो स्लाइड करो, ये देखो इनको करनी है मस्ती ऐसे, स्विंग, आ जा बेटा पुश, डर नहीं बेटा, साइकिल साइकिल बेबी साइकिल, तुमको बोली तुम अपने साइकिल से आओगे तो तुम बोले नहीं, हाँ डू नॉट टच, आ जाओ मम्मा, स्विंग 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 स्विंग, पुश करो, चलो पुश करो मम्मा को, ये माय बेबी, चलो कपड़ा गंदा किया ना, देखो ये लड़का पूरा शूज कपड़ा सब गंदा कर ले, चलो चेंज करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, सुना तो इनकी ABCD चल रही है, और मैं उसके लिए बना रही हूँ डिनर, वैसे ही चलता रहता है, और मैं उसके लिए बना रही हूँ डिनर, और डिनर बनाने के बाद पहले उसकी चेंज ही करूँगी, मालिश करूँगी, फिर उसके बाद डिनर खिलाऊंगी। ये देखो ये लड़का मेरे साथ डिनर बनवा रहा है, मैं बोली चलो बेटा पहले चेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद मिसी कर देते हैं, फिर डिनर खा लो, नहीं तो भाई साहब को पहले मेरे साथ खाना बनवाना है, तो आज भी गाल मेरे साथ डिनर में मदद कर रहा है ना बेटे, हाँ सब, ये ऑलमोस्ट डिनर हो गया है, अम्ब्रेला को अपने सर पे लगा रहा है, सबसे बड़ी बात कमेंट करके तो पक्का बताना कि आज का डे कैसा लगा आपको, मेरे बेबी को तो बहुत मजा आया, हाँ रुक जाओ बेटे, हाँ खिची भी दे दो खिची, ये देखो चेंज हो गई, मिस्सी हो गया, खाना भी हो गया, और डैडा भी आ गए, और डैडा लाए हैं क्या भाई, आज आदमी फर्स्ट डे स्कूल गया तो आया डैडा की तरफ से अमूल वनीला मैजिक आइसक्रीम, जो ये लड़का खाएगा नहीं लेकिन फिर भी लेके आए, और वो भी बड़ा वाला फैमिली पैक बेटे, अच्छा आ जाओ आ जाओ, हमें लगता है आज के लिए इतना ही, मैं जा रही हूँ और बॉब जा रहा है ये फैमिली पैक एंजॉय करने, आई सी नेक्स्ट टुमारो विद अनदर न्यू व्लॉग, टिल देन अपना ख्याल रखें, ईट हेल्दी बी हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन एंड अवॉइड दिस इग्नोर दिस मैन, एंड कमेंट कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है, एंड ऑल्सो आज का व्लॉग कैसा लगा, कल से ज्यादा आएंगे स्कूल के अपडेट्स, बेबी टाटा, एंड ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, बेबी टाटा ता 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 आइसक्रीम, ओ आइसक्रीम, वाओ, ना ना मामा, सो मामा खाने जा रही है, ना 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 ना, टाटा अच्छा टाटा वापस से टाटा कर दो, टाटा।